नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज बात करते हैं अर्टिकेरिया के बारे में, यानी स्किन एलर्जी। इसका उपचार क्या है होम्योपैथी में, और क्या क्या खाना नहीं चाहिए, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या करने से ये तकलीफ कम रहेगी और धीरे धीरे आप इस बीमारी से निजात पाएंगे। यूँ तो अर्टिकेरिया बहुत आम बात हो गई है आजकल के दिनों में, और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। धूप में जाए, बाहर जाए, धूल मिट्टी लगा तो एलर्जी स्टार्ट होने लगती है और लाल लाल बड़ा बड़ा धब्बा की तरह चक्का बन जाता है एलर्जी का, और बहुत इचिंग होती है, बहुत इरिटेशन भी होती है। और कुछ खाने में तो ये साथ साथ रिएक्शन होती है, जैसे अंडा हुआ, उसके बाद प्रॉन हुआ मछली, और उसके बाद आपका मटन हुआ, ये सब में तो बहुत ही ज़्यादा एलर्जी होती है। तो कोशिश करें इन चीज़ों का अवॉइड करें। और वेज में जो है ब्रिंजल या बैंगन जो है बहुत एलर्जी फैलाती है, उसको आप अवॉइड करें। और एलर्जी जो टेबलेट होती है एलोपैथिक में, उसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, इससे आपका कॉफ बैठ जाता है और बाद में जाके दिक्कत होने लगती है। तो कोशिश करें एंटी एलर्जी टैबलेट कम खाएं, और हो सके तो अच्छा होम्योपैथिक को दिखाएं। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया हुआ दवाई है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ है और बहुत कारगर है दवाई। तो कॉमनली जो देखा जाता है गर्मी के दिनों में, जिसको एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो तो बहुत कोई भी एलोपैथिक दुकान में जाके सिट्रीजिन टैबलेट ले लेते हैं, एक दो दिन में आराम मिल जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, सबसे पहले तो मैंने जो खाना आपको बताया, मटन प्रॉन मछली हुआ, उसके बाद अंडा हुआ, अंडा से रिलेटेड कोई भी सब्जी ना खाए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, गर्मी के दिनों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और हो सके तो कॉस्मेटिक कम इस्तेमाल करें। कॉटन का कपड़ा आप ज़रूर पहने, कॉटन में एलर्जी बहुत कम होती है। सिल्क या पॉलिस्टर का कपड़ा कम पहने, बच्चों को भी कॉटन का कपड़ा ज़्यादा पहने, क्योंकि सारा दिन वो लोग स्कूल में रहते हैं, खेलते हैं, धूल मिट्टी लगती है, धूप में भी रहते हैं, तो इससे एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और इसका दवाई क्या है होम्योपैथी में, ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं जो रैंडमली यूज़ करता हूँ वो है अर्टिकेरिया यूरिन 30, ये एक डाइल्यूशन फॉर्म में है। अर्टिका यूरिन 30 आप देख पा रहे हैं, इसको 3 टाइम लेना है कंटिन्यू, 1 महीना ले इसको, उसके बाद इसका पावर चेंज करेंगे। कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर को बोलने से ये आपको पावर चेंज कर देंगे। अर्टिका यूरिन 30 फिर से देख लीजिए, अगर बड़ा है तो 5 गुन 3 टाइम, अगर बच्चा है तो 2 गुन दिन में 3 टाइम बिफोर मील ले खाने से पहले। इसके साथ डॉक्टर बक्सी यानी वैक्सीन का एक दवाई आता है B23, ये स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम में आता है, लेकिन अर्टिकेरिया में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको 15 गुन दिन में 3 टाइम ले अगर एडल्ट है, अगर चाइल्ड है तो 5 गुन दिन में 3 टाइम ले इसको, आफ्टर मील ले थोड़ा पानी के साथ, ठंडा पानी। और एक वाइनमेंट आती है, जो मैंने अर्टिका यूरिन्स आपको 30 दिखाया उसी का एक वाइनमेंट आती है, अर्टिका यूरिन्स मदर टीचर से बनी हुई ये वाइनमेंट है, मेरे हाथ में है वैक्सीन का। इसको दिन में 2 से 3 टाइम आप इस्तेमाल करें, जिस जगह पे एलर्जी होती है ऊपर से लोकली एप्लीकेशन कीजिए उसके ऊपर, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और इसको कंटिन्यू लगाना है, और ये जनरली अर्टिकेरिया और खुजली में तो काम करती ही है, साथ ही साथ हल्का अगर किसी को माइनर बर्न है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, किसी को जल जाता है कहीं पर, छिल जाता है, तो उस जगह पर भी आप लगा सकते हैं। और साथ ही साथ सोप का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेली आप बाहर जाते हैं, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सोप मिलता है सनी हर्बल्स का, यानी वैक्सीन का नीम तुलसी सोप, इसका इस्तेमाल करें डेली, इससे रगड़ रगड़ के नहाएं, और जब तक कंटिन्यू अर्टिकेरिया ख़त्म नहीं हो जाती इसको कंटिन्यू रखें। ये बहुत सेफ है, हर्बल सोप है नीम तुलसी, इसका आप इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ मैंने जो दवाई बोले वो खाएं, और वाइनमेंट लगाएं, इस सबका एलर्जी का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ कि एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए जरूर एक होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं, साथ ही साथ मेरे वीडियो के बारे में भी उनको जानकारी दें कि ये दवाई मैं खाना चाहता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं। ये कॉमनली बताया गया मेडिसिन है, सबको इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन किसी किसी का अगर कोई मेडिसिन दूसरा चल रहा है तो ये डॉक्टर का सलाह लेके उसके बाद दें। तो
तो ऐसे वीडियो जो नॉलेजेबल वीडियो है मैं कोशिश करता हूँ सबको दिखाने के लिए, तो हर हफ्ते 2-3 वीडियो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका ट्रीटमेंट और क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये भी आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक शेयर भी करें, और उसके बाद ये वीडियो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाएं कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई बीमारी के साथ और उसका ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।